बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान। आज अपने माइक्रोटिक के लेक्चर 50 के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू कॉन्फ़िगर सिंपल क्यूज ऑन माइक्रोटिक। अब सबसे पहले कि सिंपल क्यूज है क्या माइक्रोटिक के अंदर, पहले मैं आपको पिक्चर की मदद से एक्सप्लेन करूंगा और फिर मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊँगा। अब सिंपल क्यूज़ क्या है कि सिंपल क्यूज लिमिट बैंडविड्थ टू, आप उसको लिमिट कर सकते हैं क्लाइंट की अपलोड को। अगर आप लिमिट करना चाहते हैं तो आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, या क्लाइंट की डाउनलोड को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं सिंपल क्यू बना के आप कर सकते हैं, या क्लाइंट एग्रीगेट डाउनलोड अपलोड आप दोनों को रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल क्यू की मदद से आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, अ सिंपल क्यू इज़ अप्लाई टू अ टारगेट मैंडेटरी विच कैन बी। अब आपने जो टारगेट है आपका वो क्या है, टारगेट आपका सिंगल आईपी यानी कि एक सिंगल पीसी हो सकता है, या आप नेटवर्क सबनेट आप पूरे का पूरा सबनेट आप उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, या आप इंटरफेस पे आपकी जो है ना आप उस पर लगा सकते हैं। ये टारगेट आपको इन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट करना लाजमी है। सिंपल क्यू वर्क इन सीक्वेंस विच मीन दैट ईच पैकेट मस्ट गो थ्रू एवरी सिंपल क्यू अनटिल द मैच आकर। लेट्स सपोज आपने एक क्यू बनाई, उसमें आईपी जो आपका 25 है उस पर आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी 2 MB की। अब जब रिक्वेस्ट आएगी राउटर के पास तो राउटर टॉप से चेक करना शुरू कर देगा, यहाँ से अपनी क्यूज चेक करता 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 जब वो 25 आईपी के पास आएगा यानी क्यू 25 इस आईपी पे पहुँचेगा जिस पर आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, तो फिर वो इसको चेक करेगा इस पर क्या रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, 2 MB डाउनलोड की रिस्ट्रिक्शन और 2 MB अपलोड की रिस्ट्रिक्शन है, वो इस पर अप्लाई हो जाएगी। डेस्टिनेशन इज वेयर द टारगेट ट्रैफिक इज एम एंड इट इज़ नॉट कंपल्सरी एज द टारगेट। आप डेस्टिनेशन आईपी भी इसमें डाल सकते हैं। लेट्स सपोज अगर कोई स्पेसिफिक वेबसाइट है, आप microtik.com है, आप चाहते हैं कि आपकी जो ट्रैफिक उस पर जाए उस पर 2 MB या 1 MB से ज़्यादा ट्रैफिक ना जाए, उसकी आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, तो आप उस तरह आईपी भी उसका आईपी देके उस वेबसाइट का आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट पिक्चर पे। अब एक डायग्राम है, इसमें राउटर 1 के अंदर मैं क्यूज बनाऊँगा और राउटर 2 को जो है उसकी बैंडविड्थ को मैं लिमिट करूंगा ताकि इसकी जितनी भी रिक्वेस्ट आए वो आपको 2 MB से ज़्यादा इसको अलाउ ना करे। तो चलिए इस एक्टिविटी को प्रैक्टिकल करते हैं। मैं अपने विनबॉक्स पे आ गया हूँ, यहाँ से मैं राउटर 1 को कनेक्ट करता हूँ। मैं जूम कर लेता हूँ। अब यहाँ क्यू, इस क्यू को क्लिक करता हूँ और यहाँ मैं सिंपल क्यू को सिलेक्ट, टैब को सिलेक्ट करके मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ। क्यू का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं फिलहाल क्यू 1 ही रहने देता हूँ। अब टारगेट, टारगेट यहाँ से आप ड्रॉप मेन्यू में सिलेक्ट करें, यहाँ से आप जिस ईथर आपकी जो ईथर इंटरफेस है आप उस इंटरफेस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप सिंगल आईपी देना चाहते हैं तो आप सिंगल आईपी दे सकते हैं, और सबनेट देना चाहते हैं पूरा पूरा तो वो आप इंटर कर सकते हैं। 00 का मतलब है कि कहीं से भी कोई रिक्वेस्ट आए तो वो उसको उस पर अप्लाई हो जाए। अभी एक मैं डिफ़ॉल्ट बनाता हूँ, 00 पे टारगेट पे करता हूँ। यहाँ डेस्टिनेशन, यहाँ आप जिस डेस्टिनेशन के ऊपर आप किसी इंटरफेस पे करना चाहते हैं, या स्पेसिफिक आईपी को आप हिट करना चाहते हैं कि उस ट्रैफिक इस लाइक कोई वेबसाइट है उसका आईपी, फिर आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी स्पेसिफिक वेबसाइट को भी लिमिटाइज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ उसका आईपी इंटर कर देंगे। अब आईपी कैसे आप देख सकते हैं, लेट्स सपोज मैंने माइक्रोटिक करना है तो मैं CMP, यहाँ से मैं पिंग करता हूँ पिंग microtik.com, तो यहाँ से इसका ये आईपी आ जाएगा। आप इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और यहाँ आप इसको पेस्ट कर लेंगे इस तरह। फिलहाल मैं इसको नहीं कर रहा। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं लिमिट लगाता हूँ 6 MB की, 6 MB, इसको जूम कर लेते हैं, 6 MB अपलोड और 6 MB डाउनलोड हो,
कहीं से भी कोई रिक्वेस्ट आए मेरे इस राउटर पे 6 MB से ज़्यादा बैंडविथ उसको ना दे। यहाँ से इसको अप्लाई करते हैं, ओके कर देते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ से मैं बॉक्स दोबारा ओपन करता हूँ। मैं अब राउटर 2 को कनेक्ट करता हूँ। इसको इस तरफ कर लेते हैं, इसको इस तरफ कर लेते हैं। आईपी एड्रेसेस, आईपी एड्रेसेस। यहां मैं आपको पिंग करके दिखा देता हूं। पिंग 192.168.10.118 मेरे इस राउटर का आईपी है। मैं पिंग करता हूं, पिंग परफेक्ट हो रही है। और इस तरफ से अगर करके चेक करता हूँ, पिंग 192.168.10.117 जो मेरे इस राउटर का आईपी है 117। ये प्रॉपरली एक दूसरे को पिंग कर रहे हैं। अब यहाँ से मैं आता हूँ, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, टूल्स पे आता हूँ, बैंडविड्थ टेस्ट पे आता हूँ। यहाँ से मैं इस राउटर का आईपी मेंशन करता हूँ, राउटर 1 का 192.168.10.117। एड यूज़र एडमिन और पासवर्ड, आपने इस राउटर का जो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड होगा वो आपने यहाँ मेंशन करना है। अब यहाँ से डायरेक्शन क्या है, मैं फिर पहले बोथ करता हूँ और यहाँ से इसको स्टार्ट करता हूँ। अब यहाँ से देख सकते हैं कि ये इसका आइकन जो है वो रेड हो गया है और यहाँ से बैंडविड्थ जो है वो चलना शुरू होगी। अब मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ से TXRX ये अब 6 MB से ऊपर नहीं जाएगा। अपलोड और डाउनलोड जो है वो 6 MB है। अब अगर मैं इसको स्टॉप करके मैं सिर्फ रिसीव करवाता हूँ इसको, तो चेक करता हूँ, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये 6 MB से ऊपर नहीं जा रहा। स्टॉप करता हूँ और यहाँ से मैं इसको सेंड पे करके चेक करता हूँ, तो सेंड भी मेरा 6 MB से ऊपर नहीं जा रहा। स्टॉप कर देता हूँ इसको। अब यहाँ एक और मैं सिंपल क्यू बनाता हूँ, Q2। अब इस पे मैं मेंशन करता हूँ इसका आईपी 118। टारगेट क्या है, 192.168.10.118। अब यहाँ से आए तो ये उसको 2 MB से ज़्यादा अपलोड ना दे और ना ही 2 MB से ज़्यादा डाउनलोड हो इसकी। अप्लाई करता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए। अब इस राउटर को मैंने इस पर लिमिट लगा दी। अब राउटर 2 पे मैंने लिमिट लगा दी कि राउटर 2 को 2 MB से ज़्यादा ना अपलोड मिले ना डाउनलोड मिले। अब दोबारा इसको टेस्ट करके चेक करते हैं। मैं यहाँ से जूम करता हूँ और यहाँ से इसको स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से अब मैं दिखा देता हूँ जूम करके, ये अभी भी 6 MB पे जा रहा है जबकि लिमिट इस पे मैंने लगाई हुई है 2 MB की। इसको स्टॉप करते हैं। अगर इसको बोथ करके चेक करते हैं, तो स्टिल ये 6 MB को हिट कर रहा है जबकि यहां से इसकी लिमिट जो है वो 2 MB लगी हुई है। अब आपने क्या करना है,
यहाँ से क्यू जो भी होती है वो ऊपर से नीचे आ रही होती है। जब इसकी रिक्वेस्ट राउटर टू की इसके पास राउटर वन के पास आती है तो सबसे पहले जो रूल है उस रूल के साथ जब वो टैली करता है तो कहता है कि आप एनी वन में हैं, क्योंकि ये वाला जो आईपी है इसका मतलब है कोई भी आए, तो ये कोई में भी इंक्लूड हो जाता है। 118 जो है वो किसी में भी आ जाता है, 00 में आ जाता है, तो इसको 6 MB की लिमिट इस पर अप्लाई हो जाती है। उसके बाद वो सेकंड रूल पे बाद में जाता है, जो पहली उस पर रूल है वो उस पर अप्लाई कर देता है। अब हमने जो अपना 118 वाला रूल बनाया इसको उठा के मैं ऊपर कर देता हूँ। ऊपर कर देने के बाद मैं इसको दोबारा इधर से स्टार्ट करता हूँ। अब आप यहाँ से देख सकते हैं ये तो रेड हो गया, यहाँ से आइकन शो कर रहा है कि इसके पास रिक्वेस्ट आ रही है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये 2 MB से ऊपर नहीं जा रहा, अपलोड एंड डाउनलोड जो है वो 2 MB से ऊपर नहीं जा रही। अब यहाँ से मैं इसको स्टॉप करता हूँ, मैं सिंगल करके चेक करता हूँ, रिसीविंग करके चेक कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये अब 2 MB से ऊपर रिसीविंग नहीं जा रही इसकी। इसी तरह स्टॉप करके मैं इसकी सेंड करके चेक कर लेता हूँ। तो ये भी 2 MB से ऊपर नहीं जा रही। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये रेड हो जाता है, और यहाँ से नीचे से भी आप ग्राफ देख सकते हैं कि ये 2 MB से ऊपर नहीं जाने दे रहा इसको। अब अगर मैं यहाँ से प्रोटोकॉल चेंज भी कर देता हूँ, पहले UDP था अब TCP है, और यहाँ से मैं बोथ कर देता हूँ, और मैं यहाँ से इसको दोबारा से स्टार्ट करके करता हूँ। जूम करके दिखाता हूँ, तो तब भी ये 2 MB से ऊपर नहीं जा रहा। अब अगर मैं इसको सिंगल भी करके दिखा देता हूँ आपको, प्रोटोकॉल मैंने चेंज किया है तो ये 2 MB से ऊपर नहीं जा रहा। प्रोटोकॉल चाहे UDP था चाहे TCP आपने किया, क्योंकि यहाँ से क्यू पे आपने लिमिट लगाई हुई है कि 2 MB से ना, इसको मैक्सिमम लिमिट अपलोड 2 MB और मैक्सिमम लिमिट जो है वो 2 MB डाउनलोड और अपलोड है। अब ये इससे ज़्यादा इसको प्रोवाइड नहीं करेगा। इस तरह आप सिंपल क्यूज़ की मदद से सिंगल IP हो गया, पूरा सबनेट हो गया, या इंटरफेस पूरे का पूरा आप उसको लिमिटाइज कर सकते हैं कि उसके पास इतनी इससे ज़्यादा आपकी बैंडविड्थ वो उसको प्रोवाइड ना करे। होप आपको समझ आ गया होगा कि सिंपल क्यूज़ क्या होती हैं और कैसे इनको यूज़ किया जाता है और कॉन्फ़िगर किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।